मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से प्राप्त वाहनों के परिचालन पर शेखपुरा के नगर क्षेत्र के महादेव नगर में दबंगों द्वारा रोक लगा दी है। पीड़ित घाट कुसुम्बा निवासी मनोज राम ने डीएम इनायत खान को आवेदन देकर मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से प्राप्त वाहनों के परिचालन पर दबंगों द्वारा लगाए जाने को लेकर प्रतिबंध के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। पीड़ित मनोज ने डीएम से कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रखंड मुख्यालय से पंचायतों के ग्रामीणों को जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लाई गई ताकि लोग अपने प्रखंड मुख्यालय से आसानी से जुड़ सकें, लेकिन यहां तो दबंगों द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से प्राप्त वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई जा रही है। पीड़ित मनोज ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत वह महिंद्रा फाइनेंसर से एक महिंद्रा सुपर मिनी वैन किसी तरह किस्त पर लिया था। वह गरीब व्यक्ति है, किसी तरह पैसा जुगाड़ कर मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा अनुदानित वाहन को प्राप्त किया था, लेकिन दबंगों द्वारा इस वाहन का परिचालन शेखपुरा के गोल्डन चौक से पीड़ित के गांव घाट कुसुम्बा तक परिचालन करने नहीं दिया जा रहा है। उसने कहा कि गोल्डन चौक के दबंगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। क्या हुआ? मुख्यमंत्री परिवहन योजना से गाड़ी मिली है, इस पर हम आशा लगा के लिए थे कि सरकार गाड़ी दे रहा है तो हम भी गरीब गुरबा गाड़ी चलाएंगे और कमाएंगे खाएंगे। उसमें क्या है, अपना पैसा भी 1,00,000 रुपये लगा दिए और 3 महीना से बैठे हुए हैं, इसका कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। और एक कारू यादव व्यक्ति है गोल्डन चौक का, वो चलने से मना कर रहा है और दबंग आदमी, हम डर से क्या करें, हम जिला आ रहे हैं 2 महीना, इसका कोई गुंजाइश नहीं हो रहा, हम क्या असर करें, गरीब आदमी भूखे मर रहे हैं। कहा नहीं गाड़ी चलने दे रहा है, क्या बोल रहा है, हम पहले चला रहे हैं गाड़ी, तुमको कैसे चलने देंगे। और हम सर यही कहते हैं कि सर आप दिए रोजगार तो हम चलावें और बाल बच्चा को व्यवस्थित करें, आपसे यही अच्छा। कहाँ अभी आए थे? अभी सर जिला आए हैं सर, 4 दिन से 5 दिन से। किनके पास मिलने के लिए? डीएम साहब के पास आए हैं।